नमस्कार, मैं अंकुश और आप जुड़े द फैक्ट टाई के साथ। जानते हैं डायरेक्ट लोगों से कि क्या है बाबा राम रहीम और क्या नए खुलासे होते हैं आज बाबा राम रहीम के बारे में। जी, आपका नाम? मेरा नाम मुरारी कुमार झा और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। जी, डेरा से जुड़े हैं आप भी? यस, बहुत जल्दी जुड़ा हूँ। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि इसकी इसमें जो जिस प्रकार से इसमें भक्ति भावना और श्रद्धा की बात की गई है, जो बिल्कुल पूरी सच है, इस कारण से मैंने इसमें जुड़ा हूँ। जी, पर आज तो कुछ और ही बातें सामने आ रही हैं, फिर छोड़ा क्यों नहीं? कहने का तो कुछ और भी होता है। कोई कहता है कि इंसान मर गया और वो इंसान जमीन पे जिंदा रहता है। जी। और इस कारण से मैंने जुड़ा कि मेरे फैमिली से बहुत लोग जुड़े हुए हैं और जुड़ने के साथ साथ उनको थोड़ा विश्वास भरोसा है, इसलिए मैंने भी इससे जुड़ा। तो आज भी आपका बाबा पर यूं ही भरोसा है? यस। आज भी डेरा जाते हैं? यस, आता हूँ, मैं जाता भी हूँ। जहाँ जहाँ इनका प्रोग्राम होता है वहाँ भी मैं सम्मिलित होता हूँ। जी, किस तरह के कार्य करते हैं वैसे बाबा राम रहीम? वो भक्ति भावना और श्रद्धा के लिए वो काम करते हैं। और लोग कितने तरह की अफवाहें फैलाते हैं कि ये ऐसे करते हैं या किसी भी चीज़ को लेके इन्होंने वो किया, और उसमें तो ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जो भी बाबा राम रहीम काम करते हैं वो बिल्कुल सही और सत्य राह पर करते हैं, भक्ति भावना श्रद्धा पूर्ण और लोगों के समस्याओं के सुविधाओं के लिए करते हैं। बाबा राम रहीम सिर्फ अपने फॉलोअर्स के लिए सब कुछ करते हैं या समाज के लिए भी कुछ करते हैं? समाज के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ये करते हैं। जी। आज ऐसे गुरु की समाज को कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है, लेकिन समाज अफवाहों के चक्कर में फैल जाते हैं। जी। समाज को ये चीज़ की पता नहीं रहता कि समाज क्या करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता। समाज सलाह देता है, सलाह देना सही बात नहीं है, सही बात भी है और गलत बात भी है, लेकिन सलाह में उस व्यक्ति से लेना चाहिए जो इस बारे में सही सलाह दे सके। फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। तो आपको जॉब करनी चाहिए, अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। आप डेरा सत्तर सौदा जैसी जगह क्या जाना पसंद कर रहे हैं? क्या कोई रिश्वत दे के बुलाया जाता आपको? नहीं, देखो रिश्वत अलग बात है और डेरा सच्चा सौदा, हमें हर, जैसे मैं एजुकेशन के लिए टाइम निकालता हूँ उस प्रकार मैं डेरा सच्चा सौदा के लिए भी टाइम निकालता हूँ। पढ़ाई लिखाई, वर्क और अन्य काम अपने जगह पर है, और भक्ति जो डेरा सच्चा सौदा के अंतर्गत मैं जुड़ा हूँ अपने जगह पे है, तो इसमें मैं जुड़ना चाहा और मैं जुड़ा, इससे मुझे बेहतर लगा।